पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन, जिसके ऊपर आप लोगों का सिमिलर कमेंट था और बहुत सारे लोगों ने पूछा था भाई कि जब हम पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो बोलते भाई चाय पानी का पैसा दे दो, चाय पानी का पैसा दे दो, थोड़ा सा पैसे करो। मतलब पुलिस वाले बोलते भाई हाँ सही बात है, अगर आप सिटी से बिलोंग करते हो या फिर गांव से बिलोंग करते हो तो गांव पर तो ये अक्सर होता है कि जब हमारी इंक्वायरी जाती है गांव पर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट का जाता है तो पुलिस वाले बोलते भैया चाय पानी के पैसे दे दो, या फिर समझ लो कि या फिर अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान वो आपको कॉल करके बुला लेंगे पुलिस स्टेशन, आप वहां पर जाते हो तो फिर वहां पर वो आपसे बोलेंगे कि अगर ज्यादा लोग रहेंगे तब तो बोलेंगे भैया थोड़ा साइड में मतलब कि पब्लिक से थोड़ा सा बाहर लेके आएंगे, फिर आपको बोलेंगे भाई चाय पानी के पैसे दे दो। मतलब बोलेंगे भाई, गांव में बोलते हैं, सिटी में बोलते हैं, भाई सिटी में भी कहीं कहीं बोलते हैं, मतलब इसी को हम रिश्वत बोलते हैं। देखो तरीका चेंज हो रहा है यार, समय के हिसाब से हर एक चीजें अपडेट हो रही है। अभी चाय पानी के नाम पर पैसे मांगते हैं लोग, भाई चलो चाय पानी के लिए पैसे दे दो, और चाय पानी का पैसे कितना, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500, 2000 रुपए। ऐसा नहीं कि चल भाई चाय चाय का 5 रुपए, 10 रुपए होता है पानी, मतलब पानी भी ले लो उसमें 15-20 रुपए का बोतल मिल जाएगा, चाय पानी का मिला के 30-40 रुपए ले लो भाई, चलो हो गया भाई। चाय पानी के लिए उनको पैसे चाहिए 500, 1000, 1500, 2000 रुपए तक। क्या ये सही है, क्या हमें रिश्वत देना चाहिए या फिर नहीं, पूरा इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आप इससे बच कैसे सकते हैं, सही तरीका क्या है इनसे बचने का, क्या हमें चाय पानी के लिए पैसे देना चाहिए पुलिस वालों को पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए कंप्लीट कराने के लिए, चलिए इसके ऊपर हम पूरा डिटेल में बात करते हैं क्या सही है और क्या गलत है। तो जनरली देखा गया है कि गांव पर जब भी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पर पुलिस वाले कॉल करते हैं और कॉल करके बुलाते हैं, या फिर सिटी में भी यही होता है कॉल करके ये आपको बुलाएंगे कि हाँ आप ये डॉक्यूमेंट लेकर अगले दिन आ जाओ, या फिर उसी दिन शाम को बुला लेते हैं। तो फिर होता क्या है कि भाई जब वो आपको बुलाएंगे उसके बाद आप वहां पर सारा डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, तो डॉक्यूमेंट देखने चेक करने के बाद सब कुछ नाम डिटेल सब कुछ चेक कर लेने के बाद सब कुछ अगर आपका प्रॉपर सब कुछ सही रहा तब वो आपको साइड में लेके जाकर बोलेंगे भैया चाय पानी के लिए दे दो, चाय पानी का पैसे दे दो। और अगर उस टाइम पर आप मना कर देते हैं, मतलब तत्काल अगर आप मना कर रहे हो कि भाई मैं नहीं दूंगा चाय पानी के लिए पैसे, तब वो बोलेंगे भैया लाइट बिल लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट कई सारे मंगाएंगे, ऐसी फालतू के भाई बिना मतलब के, मतलब कि कोई मतलब ही नहीं है उसका, उन सारे डॉक्यूमेंट का। वो बोलेंगे कि हम आपकी फाइल को रुकवा देंगे, बट मैं आपको सच में बताऊं कोई पुलिस वाला आपकी फाइल को नहीं रोक सकता है जब तक आपकी फाइल सही हो। अगर आपकी फाइल में कोई मिस्टेक हो तब पुलिस वाला आपकी फाइल को रोक सकता है जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए गया है पुलिस का वेरिफाइड करवाने के लिए, कि हाँ एड्रेस प्रूफ वेरिफाइड करने के लिए, आपको वेरिफाइड करने के लिए कि हाँ आप वहां पर प्रॉपर रहते हो कि नहीं। पुलिस वाले तभी रोक सकते हैं जब आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत हो, या फिर मतलब डुप्लीकेट हो, या फिर डॉक्यूमेंट में कुछ गलत हो, मिसमैच हुआ हो, तभी पुलिस वाले आपकी फाइल को रोक सकते हैं। लेकिन पुलिस वालों को भी जवाब देना पड़ेगा, अगर बिना मतलब के फालतू के ही ऐसे ही, मतलब अगर सब कुछ सही रहा तो फालतू के अगर आपकी फाइल को रोक दिया गया तो समझ लो भाई आप उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो, और पासपोर्ट ऑफिस से भी वहां से इंक्वायरी आ सकती है भाई बिना मतलब के बिना किसी गलती के आप कैसे रोक दिए इनका वेरिफिकेशन। आप प्रूफ दिखाओ कि अगर आपने रुका है इनका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, पेंडिंग में रखा है पासपोर्ट का, तो ये रीजन मतलब कि उनको लिखित में दिखाओ, साबूत दिखाओ कि हाँ इनका ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है या फिर ये गलत है। तो अगर मैं सही तरीका बताऊं तो भाई पुलिस वालों को आप 1 रुपए ना दो, अगर पुलिस वाले भी रिश्वत लेते हैं और उस टाइम पर आपने किसी तरीके से वीडियो बना लिया तो उनकी तो लगनी तय है। हर जगह की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह के पुलिस वाले बहुत अच्छे कई जगह के होते हैं, लेकिन कई जगह के पुलिस वालों की वजह से जो है काफी जगह बदनाम हो गई है। और आप लोग भी मुझे कमेंट करते हैं कि सर ऐसा होता है क्या, तो हाँ भाई कई जगहों पर होता है, और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके भी बोलते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा भी हुआ था, मुझसे चाय पानी के लिए लोग पैसे मांग रहे थे पुलिस वाले, तो ऐसा भी होता है भाई। तो इससे बचने के लिए आप उन्हें, अगर आपका सब डॉक्यूमेंट सही है तो आप उनसे डायरेक्ट बोल दो
कि भाई हम 1 रुपया नहीं देंगे, क्योंकि कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि आप में लिखित में दिखाओ कि कहीं लिखा है कि आपको चाय पानी के लिए पैसे देना चाहिए, तो मैं आपको उतने पैसे दूंगा। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो मैं आपको 1 रुपया भी नहीं देने वाला। भाई लिखित में कहीं ऐसा है नहीं कि वो आपको दिखाएंगे और आपसे लेंगे पैसे, तो आप 1 रुपया भी ना दो। और लीगल तरीके से आप चलो, वो आपकी फाइल को पेंडिंग नहीं रख सकते। अगर आप वो रखते हैं तो फिर पासपोर्ट जो PSK का नंबर है वहां पर आप कॉल करके बात करो कि हाँ ऐसी ऐसी बात है और पुलिस वाले ने ऐसा ऐसा किया मेरे साथ, तो उनके ऊपर इंक्वायरी बैठे। सही तरीके से चलो, करप्शन को बढ़ावा ना दो। और जहां तक 40-50 रुपए वाली, ऐसे खुशी में अगर आप खिलाना चाहते हो, चाय पानी कराना चाहते हो, तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन चाय पानी के नाम पर अगर कोई आपसे पैसे की डिमांड करे तो वो गलत है, पुलिस वाला हो या फिर कोई भी हो, वो गलत है। तो मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। सारा डॉक्यूमेंट सही है तो 1 रुपया भी ना दो, पैसे मत खिलाओ पुलिस वालों का या किसी को भी, क्योंकि पैसे नहीं लगता है पासपोर्ट बनवाने के लिए। जो आपके ऑफिशियल चार्ज है फीस का 2-1500 रुपए, जो फ्रेश पासपोर्ट का अगर तत्काल बनवा रहे हो तो 3500 रुपए, यही आपको फी ओनली पे करना है, ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया हो तो कमेंट्स करके बताओ। और हाँ, अगर आपके माइंड में और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस चैनल पर दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।